हमने शुरू किया था 2019 में और रिलीज करने वाले थे दैट टाइम। सिड भाई हैड नॉट इवन डन बिग बॉस, ही वेंट इनटू बिग बॉस। और झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा लालच शायद आ जाता है हर किसी के। एवरीबडी वांट्स टू कैश ऑन ऑन पॉपुलैरिटी। और सिड भाई की जैसी पर्सनैलिटी थी कि ऑल नो दैट विल रॉक बिग बॉस। मैं तो उन्हें तब से जानता हूँ जब हमारी दोस्ती इंस्टाग्राम और एक दूसरे की स्टोरी शेयर करने वाली नहीं है, एक कटिंग चाय और पार्ले जी वाली दोस्ती है। हम ग्लैड्रग्स के ज़माने से, मेरे सीनियर थे ग्लैड्रग्स में, तब से जानते हैं हम एक दूसरे को। तो सबको ये था कि बिग बॉस से बाहर आएंगे तो शायद रिलीज हो जाएगा। मैं तो रुका ही था कि सिद्ध भाई के साथ गाना है तो अच्छा ही है, लेकिन कोविड आ गया। उसके बाद जब वो बिग बॉस में, तभी कोविड स्ट्रक, एवरीबडी वेंट इनटू कोविड। कोविड चलते चलते सिद्धार्थ भाई बहुत मतलब बोलने में भी, मतलब हु न्यू दैट इतना हंसता खेलता इंसान, मस्त इंसान, सबको इतने ब्लेसिंग्स वाला इंसान इस हमारे बीच नहीं रहेगा। एंड जैसे गाने में है, रिलीजिंग दिस सॉन्ग एट दैट मोमेंट वुड बी समवेयर प्लेइंग विद सेंटिमेंट्स ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैंस, क्योंकि फिर तो बहुत ही क्रूअल हो जाता है। उसके बाद कोविड का दौर चलता रहा। मैं बिग बॉस में गया, मैं जेन्युइनली एज एन एक्टर, ट्रस्ट मी, मैं तो चाहता था कि मैं जब बिग बॉस में अंदर गया तब ये रिलीज हो। तो यू नो इट, मैं अपनी मैं दिल खोल के अपने लालच के बारे में बता रहा हूँ, बट नहीं हुआ। अब ये गाना रिलीज हो रहा है, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट फैंस तक ये गाना पहुँचेगा। तो दिस इज द रीजन दिस सॉन्ग टुक सो लॉन्ग। एंड सिद्धार्थ भाई का शायद यकीनन ये आखिरी काम है एज एन एक्टर। तो आई वांट एवरीबॉडी टू जस्ट गिव ऑल द लव टू दिस सॉन्ग। मेकर्स से मैं कुछ सवाल है मेरे, मेकर्स को लेकर। मेकर्स, मेरा सवाल आपसे है कि सिद्धार्थ की फैमिली से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था जहाँ पे लिखा था कि कोई भी गाना उनके ऊपर नहीं बनना चाहिए। और अभी भी ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है कि स्टॉप यूजिंग सिद्धार्थ शुक्ला। आप किस तरह से इसको देखते हो? और अगर उनकी फैमिली मेम्बर्स ने कहा है उनका कोई भी गाना नहीं आना चाहिए, फिर भी ये गाना आता है, तो यकीनन सिद्धार्थ शुक्ला की फैंस के लिए बहुत गलत बात हो रही है। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि बिंग प्रेजेंट करने वालों के लिए कि अगर कोई प्रोडक्ट बना हुआ है और उनके फैंस तक ये गाना पहुँचना चाहिए। अगर ये आफ्टर बिग बॉस के बाद हुआ होता तो हमारे पास एक वो होता कि हाँ चलो हम लोग रिलीज नहीं कर सकते, बट ये 2 से 3 साल पहले ये ऑलरेडी शूट हुआ था। सो एज एन प्रोड्यूसर, एज एन मेकर्स, सबका एक वो होता है कि हाँ उनका प्रोडक्ट एक्चुअली फ्लोर पे या एक्चुअली सारी चीज़ों सबके सामने आना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें गलत है, मेरे ख्याल से सब होना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए ये सॉन्ग। But there was a statement out from his family members. I'll take that one out. First of all, वो statement आप बोल रहे हो कि हमारे गाने के लिए, तो न्यूज़ है, थैंक यू फॉर। हमको तो पता भी नहीं था कि वो हमारे गाने के लिए, क्योंकि वो एक जनरल स्टेटमेंट था। उसके बाद भी सिद्धार्थ के बहुत सारे गाने आए हैं उनके, जब सिद्धार्थ नहीं रहे उसके बाद भी 1-2 गाने आए हैं शायद जिसमें सिद्धार्थ है ही नहीं। इसमें तो सिद्धार्थ है और उनका काम है। सो पहली बात तो वो स्टेटमेंट हमारे लिए गाने के लिए इसे आप बता रहे हो। सेकेंडली, अगर आप फैंस की बात करें तो ऐसा कौन सा फैन है सिद्धार्थ शुक्ला का जो मुझे हाथ उठा के बताए कि मैं उनका काम नहीं देखना चाहता? अगर वो हुआ ना तो मैं मान जाऊँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये गाना सिद्धार्थ भाई का या विशाल कोटियन, अगर ऐसा ही है तो फिर तो दीपिका त्रिपाठी का है। सबसे ज़्यादा तो वो है इस गाने में, एक लड़की दोनों लड़कों के अपोजिट, तो गाना तो दीपिका त्रिपाठी का हुआ। तो ये गाना, जब एक गाना बनता है ना तो वो किसी एक्टर का नहीं होता, गाना फैंस का होता है। नो फैंस देखना चाहते हैं, कोई भी फिल्म बनती है फैंस की होती है, फैंस उसे हिट या फ्लॉप करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँ, मैं तो सिद्धार्थ भाई का फैन हूँ, मैं अगर मैं ये गाना, मैंने गाना किया है फिर भी मैं गाना 100 बार देखूंगा। तो अगर कोई भी फैन अगर ये बोले कि नहीं नहीं मैं सिद्धार्थ भाई का काम नहीं देखना चाहता, फिर वो खुद को फैन कैसे बोलता है? और जहाँ ट्रोलिंग की बात है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे फैंस अगर जेन्युइन सिद्धार्थ भाई के फैंस हैं तो जाकर इस गाने को देखें, प्यार दें, क्योंकि ये सिद्धार्थ भाई का आखिरी काम है जो लोगों के बीच आएगा। ये कहते हुए दिल भर आता है, पर है जो है वो है, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। और एक शो से ना या एक गाने से या एक फिल्म से, किसी भी चीज़ से ना सिर्फ एक्टर ही नहीं जुड़ा होता, एक स्पॉट बॉय भी जुड़ा होता है, कैमरामैन भी जुड़ा होता है, सारे लोग जुड़े होते हैं। तो कोई चीज़ जब चलती है, हिट होती है, तो उनका रुका हुआ पैसा, उनके जो, क्योंकि हम 2 साल कोविड में बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं, तो हम बहुत लकी हैं कि ऊपर वाले की दुआ से खाने पीने का और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपने पैसे के लिए रुके हैं कि सर 2 साल हो गया, तो शायद ये गाना हिट हो जाए तो उन सबके पैसे भी मिल जाए। तो जब एक प्रोडक्ट बनता है तो उसको वरना काम ही क्यों करता, एज एन एक्टर मैं क्यों काम करूँगा इन प्रोजेक्ट कि मुझे पता है कि लोगों तक पहुँचूंगा ही नहीं। कल अगर मैं भी ना रहूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कल, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोविड ने हमें सिखा दिया, कल अगर मैं भी ना रहूँ तो मेरा कोई बाकी काम हो ना, तो किसी से सवाल मत पूछना भाई, उसे रिलीज कर देना, मैं ऊपर से दुआ दूँ। सर अगर अगर फ्यूचर में सिद्धार्थ की फैमिली जो है अगर अपोज करती है इस गाने को लेकर, तो आपका क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा? इसका जवाब ये लोग देख सकते हैं बेटर, क्योंकि मैं तो सिर्फ गाने को प्यार ही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग प्यार ही करें। अगर किसी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन या कुछ भी आए तो वो मेरा लुकआउट तो है ही नहीं, दैट आई विल श्योरली लेट देम आंसर इट। सर आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर, आई मीन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर सिद्धार्थ भाई के go from that thing actually, so how can anyone try to, you know, उसकी तो उनका कोई, that is what I am saying, that these are legalities which these people will answer back। प्रोडक्ट है उन्होंने उनके लिए ऑफिशियली बात की, जो उनके साथ ऑफिशियली हुआ, तो मतलब मुझे नहीं लगता ये आगे आने वाले कुछ करना चाह रहे होंगे जैसे बायोग्राफी, तो आई थिंक someone can try to oppose it, but this is already been done। Okay, I think ये प्रोड्यूसर रमेश पारेख, इनका सारा कॉपीराइट उन्हीं के पास है, बिकॉज अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन डायरेक्टली स्पीक टू रमेश पारेख प्रोड्यूसर। लेबल का काम है, उन्होंने गाना रिलीज कर दिया, ठीक है, फैंस तक पहुंचा दिया, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है किसी को प्रोड्यूसर डायरेक्टली। ऑल्सो मुझे लगता है फोटोफिल्ड एक बहुत ही नामी म्यूजिक कंपनी है, और रमेश पारेख आरा रिवेंस इज ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन के हो, बिना इस कॉन्ट्रैक्ट से करेंगे नहीं। एंड आई थिंक दैट जेंटलमैन हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन। आई एम सो हैप्पी दैट मीडिया इज सपोर्टिंग, एंड दैट जेंटलमैन हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन मोर ब्यूटीफुली देन इवन आई कुड। थैंक यू सर सो मच। बट वही है, किसी भी गाने पर ना, मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर मैं टेक्निकलिटीज नहीं जानता, अगर जानता तो शायद किसी ऑफिस में बैठकर करोड़ों कमा रहा होता साइन करके, पर नहीं जानता, मैं कलाकार हूँ। मुझे लगता है एज एन एक्टर मैं अपना हर काम चाहूंगा कि लोगों तक पहुंचे, और एंड सेम विद सिड भाई, आई नो हिम फॉर, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई नो हिम फॉर लॉट ऑफ इयर्स। मैं वो भी यही चाहते हैं कि उनका हर काम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हम काम लोगों के लिए करते हैं यार, वरना तो फिर व्हाई वुड वी वर्क एज एक्टर्स। एग्जैक्टली, एंड ही राइट एज ही राइटली सेड, अगर कोई बायोपिक अब बनाना चाहे देन ही हैज टू टेक अ परमिशन ऑब्वियसली, बट अगर जो काम है जो लीगली हुआ है, जो सब कुछ है, तो दैट हैज टू बी रिलीज, क्योंकि उसके उससे बहुत लोगों के पैसे जुड़े हुए हैं। सर मिलने दीजिए सबके पैसे। सुशांत जी की और ऋषि सर की भी अभी एक मूवी रिलीज हुई थी, जो उन्होंने बहुत पहले किया हुआ था, और जो उनको हाफ पार्टनर परेश जी ने आई थिंक वो उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है सब ऑफिशियल जब राइट्स थे हमारे पास, तभी सिद्ध सर ने किया होगा ये काम, और जाहिर सी बात है ऑफिशियल राइट से तभी ये गाना रिलीज हुआ है, वरना ऐसे तो नहीं कोई कंपनी कर सकती है। तो बाकी क्या होता है कि गाना आपके सामने है, ऑफिशियल सारे राइट्स अपने पास हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कुछ होना चाहिए। बाकी का बहुत सारी मेमोरीज है मेरे और सिद्ध भाई की। जब मैं ग्लैड्रग्स में जा रहा था तो मुझे अभी भी याद है, हमें कहा गया था कि सिंपल है, जीन्स, वाइट टी शर्ट एंड जैकेट ऑडिशन राउंड में। एंड सिद्धार्थ भाई कर चुके थे ग्लैड्रग्स, तो मैंने फोन उठाकर बोला कि सिद्धू ऐसा ऐसा है, कपड़े क्या पहनूं? तो बोलता कुछ भी पहन के जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने एक कट स्लीव पहन लिया अंदर, मुझे लगा था कि जैकेट के अंदर कट स्लीव कौन देखेगा, जैकेट ऊपर जीत है। तो वहाँ जाने के बाद मुझे बोला कि जैकेट निकालो आप अपना और वॉक करो, और मैंने जैकेट निकाला और सब हंसने लगे, क्योंकि अंदर से गंजी थी कट स्लीव, वो भी काटी हुई। तो फोन करके मैंने सिद्ध को बोला यार कम से कम बता तो देता। वो एक बात है कपड़ों को लेकर, और एक बात है ये गाने के वक्त जब कॉस्ट्यूम डिसाइड हो रहे थे तो सिड वाज वेरी क्लियर विद हिज क्लोथ्स और उनके कपड़े बहुत क्लियर थे। मैं अपने कपड़ों के बीच पे था मेरा काम और मेरे दो तीन अलग अलग लुक्स थे, तो मैं अपने कपड़ों को लेकर थोड़ा सा ये था कि नहीं यार मुझे ये नहीं पहनना है, मुझे ये पहनना है मुझे। और सिद्धार्थ शुक्ला इज देयर इन द सॉन्ग, तो थोड़ा वो भी है कि अच्छा दिखना पड़ेगा भाई, ये भाई खा जाएगा, तो थोड़े अच्छे कपड़े चाहता था कि कम से कम कपड़े से अच्छा दिखूँ। तो मैं बहुत खिटखिट कर रहा था, तो सिड मेरे पास आया और कहा कि भाई एक काम कर, तू मेरे कपड़े पहन ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू मेरे कपड़े पहन ले। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, पर आज मैं समझता हूँ कि हम दोनों के सीने का साइज एक ही था, कपड़ों का साइज एक ही था, लेकिन उस आदमी का दिल मुझसे बहुत बड़ा था। विशाल सर, कांग्रेचुलेशन फॉर द सॉन्ग, फर्स्ट सॉन्ग आफ्टर बिग बॉस। थैंक यू सर। फैंस ने कब आ रहा है, क्या कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है, और एट द एंड सॉन्ग आया, काफ़ी कमाल का सॉन्ग लग रहा है, किस तरह की फीलिंग है? अच्छी फीलिंग है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिग बॉस के बाद और अच्छा लग रहा है क्योंकि सिड भाई के साथ सॉन्ग है और वो भी बिग बॉस के मतलब बिग बॉस के लेजेंड, उन जैसा बिग बॉस कोई नहीं खेला। हम सब अंदर डिस्कस करते थे कि काश थोड़ा सिड भाई जैसा खेल जाए, तो उनके साथ गाना बहुत अच्छा लग रहा है। और बिग बॉस के बाद ये मेरा पहला काम है और बड़ा है, बाप ऑफ ऑल द सॉन्ग्स है, तो बहुत अच्छी फीलिंग है। मेरे लिए कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, अच्छा या बुरा होता है, और ये काम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो आई एम फीलिंग वेरी गुड, नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, और जब तक एक एक्टर के स्टमक में बटरफ्लाइज नहीं आए ना, तब तक वो एक्टर नहीं होता, तो इस वक्त वही फीलिंग। सर, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका ये सॉन्ग शूट करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत मज़ा आया इस सॉन्ग को शूट करते वक्त। मेरे और सिड भाई के बीच में एक सीन था इस सॉन्ग में, वेयर ही डाइज इन द सॉन्ग। हमने जानबूझकर वो नहीं रखा है क्योंकि वो थोड़ा ग्रूसम हो जाता है, एंड वी डिडंट वांट टू कीप दैट, वी डिडंट वांट दैट सीक्वेंस टू बी देयर। उसके अलावा बहुत मज़ा आया, हमने भुवनेश्वर और पुरी में शूट किया है ये गाना, तो सिड भाई और मैंने बहुत धमाल किया ऑफ स्क्रीन। तो और आई एंड सिद्धार्थ, एज आई सेड, वी नो ईच अदर फॉर लॉट ऑफ इयर्स। हमारी दोस्ती वही है ना, आजकल की इंस्टाग्राम में एक दूसरे की स्टोरी डालने वाली दोस्ती नहीं थी। हम लोग एक कटिंग चाय, जैसे मैंने बताया, और पार्ले जी बिस्किट पर ही खुश हुआ करते थे, और वही लाइफ थी, बाइक पर घूमना और रेडी लगाना, जैसे वेलागिरी करना जो दिल्ली की भाषा है, बॉम्बे में इसको टपोरीगिरी बोलते हैं, वो किया करते थे और बहुत अच्छा लगता था। और उनके साथ काम करना बहुत, मतलब हाल ही में जब वो इतना ज़्यादा काम कर रहे थे, ही बिकेम अ सुपरस्टार ऑफ टेलीविजन एंड देन ही डिड हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया। तब एक बार हम इंडिको कैफ़े में मिले थे अंधेरी में, एंड वी हग्ड ईच अदर आउट एंड ही सेड यार इससे आगे और बहुत काम करना है। इवन व्हेन उनका जो न्यूज़ आया, तब मैंने बोला ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतना अच्छा खेलता, हंसता खेलता आदमी, इतना तगड़ा आदमी और इतने सारे ब्लेसिंग्स वाला आदमी, इतने सारे प्यार वाला आदमी ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। तो इनिशियली मुझे लगा कि एक वो होता है, रोज़ अपने को न्यूज़ आता है, वैसे ही कुछ है कि कोविड के बीच में आया था, बाहर ज़्यादा घूमना भी नहीं होता था, तो ऐसा लगा कि कोई ऐसी ले रहा है, टाइम पास कर रहा है। और फिर जब गूगल पे और बाद में सच्चाई सामने आई तो दिल बैठ गया। आज भी दिल थोड़ा बैठा हुआ है, जब जब ये गाना मैं देखता हूँ तब तब दिल बैठ जाता है। बहुत थोड़ी सिमिलर स्टोरी है इस गाने की, तो बहुत ही दिल भर आता है। और सारे फैंस जो भी सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस हैं, मेरे फैंस हैं, जब भी इस गाने को देखेंगे उन सब का दिल भर आएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुली संग सॉन्ग बाय शबाब भाई एंड ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड एज वेल। कोई ऐसी मेमोरीज ऑन द सेट, कोई ऐसी बातें जो काफ़ी आज आप काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं एट दिस पर्टिकुलर टाइम? आई वॉज ऑलवेज, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आई वॉज ऑलवेज अ फैन ऑफ द वे शुक्ला भाई यूज्ड टू ड्रेस अप। एक तो पर्सनैलिटी लंबी चौड़ी थी, मैं भी बहुत लंबा चौड़ा हूँ, सो वी हैड अ सिमिलर स्ट्रक्चर, तो मैं हमेशा उनके कपड़े चुराने की कोशिश करता था जब भी साथ में आता था। तो इस गाने के दौरान भी एक ऐसा वाक्य हुआ था जब मैं आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई कॉस्ट्यूम्स, कि मुझे ये नहीं चाहिए वो चाहिए। सिड भाई वॉज वेयरिंग लॉट ऑफ सूट्स एंड मुझे था कि यार कम से कम सिड भाई के साथ गाना है तो मैं भी थोड़ा तो पर्सनैलिटी वाइज अच्छा दिखूँ, क्योंकि तगड़ा कॉम्पिटिशन है भाई, वरना दिखूँगा ही नहीं, खा जाएंगे भाई। तो मैंने भी कोशिश की कि थोड़े कपड़े मेरे अच्छे हो। मैं बहुत थोड़ा खिटखिट कर रहा था उस वक्त, तो सिड भाई और सेड एक भाई तू काम कर ले, तू मेरे कपड़े पहन ले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोनों का साइज़ सेम था जैसे मैंने कहा, पर ट्रस्ट मी, बातों में बात निकल गई, पर ट्रस्ट मी उस आदमी का साइज़ और मेरे सीने का साइज़ सेम था, लेकिन उसका दिल मुझसे बहुत बड़ा था। उसके बाद मैं चुप रहा और मैंने जो कपड़े दिए वो चुपचाप पहन लिए। विशाल जी, गाने की बात की जाए तो गाने में जो है जितना सिद्धार्थ के जो फैंस हैं जितना उन्होंने मतलब नापसंद कर रहे हैं, कुछ फैंस जो है गाने को पसंद भी कर रहे हैं, गाना उनको बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक मिक्स रिएक्शन टाइप का आ रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? यार, हम कलाकारों का काम होता है काम करना। हम तो चाहते हैं कि हमारा हर काम लोगों तक पहुँचे और हर काम लोग पसंद करें, पर अगर सिद्धार्थ शुक्ला फैंस, जो रियल सिद्धार्थ शुक्ला फैंस हैं, अगर वो इस गाने को ना देखे बगैर नहीं रह सकते। अच्छा बुरा ये पर्सनल चॉइस पर है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते और हर फैसला सर आंखों पर अगेन आई एम सेइंग दिस एंड अंडरलाइनिंग दिस कि अगर कोई भी सिद्धार्थ शुक्ला फ़ैन अगर हाथ उठाकर कहे कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला फ़ैन हूँ, मैं उनका काम नहीं देखना चाहता, तो फिर फ़ैन का क्या मतलब हुआ? आई फील दैट इस गाने को हर सिद्धार्थ शुक्ला फ़ैन, हर विशाल कोटियन फ़ैन देखे। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये गाना सिद्धार्थ भाई का या विशाल का नहीं है, ये गाना प्रोड्यूसर का भी है, म्यूज़िक कंपनी का भी है। सबसे ज़्यादा गाना तो दीपिका त्रिपाठी का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाने में तो लड़की है, तो हाँ, और गाया भी है उन्होंने। तो दिस सॉन्ग बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस एंड मोर सो टू द फैंस, क्योंकि हमने फैंस के लिए काम किया। तो दिस सॉन्ग इज़ डेडिकेटेड टू द फैंस एंड हर फैन इस गाने को देखे और ढेर सारा प्यार दे।